दिल्ली के इंद्रलोक में भारतवर्ष शिक्षा संस्था ने 19वां स्थापना दिवस एवं होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई विशिष्ट विभूतियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और देश में शांति और सद्भावना से होली खेलें इस प्रकार की कामना लोगों से की। बोले गणेश जी महाराज की। ये वार्षिक कुलपति जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बड़ी धूमधाम के साथ आप सभी के सहयोग से वे हमारे संस्थापक भारद्वाज जी के अथक प्रयासों के द्वारा ऐसे कार्य जो है सभी के सहयोग से संपूर्ण होते हैं। और ये संस्था जो है बहुत ही अपने कथित प्रयासों से भांति भांति के कार्यक्रम, बच्चों को प्रोत्साहन करना, बुजुर्गों की सहायता, मेडिकल उपलब्ध करवाना और उनके तत्वाधान में अनेक ऐसे कार्यक्रम जो कि होली मंगल मिलन के शुभारंभ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये भारतीय शिक्षा संस्थान जो है किस प्रकार के अपने कार्यक्रम जो है मानव सेवा को समर्पित, बच्चों को प्रोत्साहित करना, बुजुर्गों को हर प्रकार से सहयोग, वे उनका सहयोग लेना और देना। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पता लगे कि होली मंगल मिलन का 19वां स्थापना दिवस भारद्वाज शिक्षा संस्थान की ओर से किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई अपने भारद्वाज शिक्षा संस्था के अध्यक्ष को और छोटे भाई को नवीन जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराकर हम सबको एक साथ मंच पर भी सामने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का मौका दिया। एक ऐसा दिन, ऐसा त्यौहार, किसी के मन में भी कोई मतभेद हो, कोई भी आपस में एक दूसरे के प्रति कुंठा हो, उसको समाप्त करके एक दूसरे गले मिलकर रंग लगाकर आज के इस पावन पर्व से हम ख़त्म करें। चुनाव के दिनों में कुछ हो या कभी पूरे वर्ष कुछ हो, तो आज के दिन हम उस चीज़ को भूलकर आगे से अपने नए शुरुआत करें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, उस बीच में रोक कर हम सबको इसमें जोड़ा। मैं संस्था के तमाम सदस्यों से और रवि जी को मुबारकबाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप साल में जिस तरीके से कार्यक्रम कराते हैं, सिर्फ कावड़ कराते हैं अपनी संस्था के द्वारा, गरीबों को और उन सब बच्चों को पढ़ाई के अंदर योगदान देते हैं आगे बढ़ाने के लिए, आपकी संस्था इस तरह काम करते रहे, हम सब आपके इस कार्यक्रम के अंदर किसी प्रकार से भी कोई भी सहयोग कर सकते हो, कभी भी बिना किसी झिझके हुए आप हमारे को कभी अपना एक आदेश देना, मैं उसी को अपना कर्तव्य समझूंगा और मेरे साथी भी जो हैं वो भी समझेंगे। मैं इन शब्दों के साथ फिर पुनः होली के इस पावन पर्व पर और आपके स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हम सब मिलकर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से बनाएं और एक दूसरे के मतभेद को भुलाकर इसको आगे से बढ़ने के लिए अपने जीवन के अंदर परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए खुशियाँ लेके आए। जय हिंद, जय भारत। नवीन भारद्वाज जी का इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे। और मैं ACB साहब को बुलाना चाहता हूँ स्टेज के ऊपर। ACB साहब आए हैं और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति आज सम्मानित करेंगे हमारे ACB साहब का। ऐसे अध्यक्ष नवीन भारद्वाज जी ACP साहब का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार। और नवीन जी स्वागत कर रहे हैं सिन्हा साहब का, राजीव सिन्हा हैं जो फायर स्टेशन के मुख्य। आशीष, हमारे तायल साहब पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत नवीन भारद्वाज जी कर रहे हैं। संतोष शर्मा जी स्वागत करेंगे ACB साहब का। संतोष शर्मा जी जो अध्यक्ष कैबिन के साथ में, और मैं तय दिल से बधाई देता हूं ACB साहब को, इतना कीमती समय निकाल करके जब दिल्ली का माहौल खराब है
पूर्ण ड्यूटी है, फिर भी यहाँ पे आए हैं। और सिर्फ हम भारद्वाज मिश्रा जी गए थे वहां पे परसों लक्ष्मीनगर थाने में कार देने, और इतना समय उचित समझ के यहाँ पे आए हैं। वास्तव में तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को। इस तरह से प्यार बने रहे, प्यार दिल्ली के अंदर प्यार चलता रहे, प्यार की भावनाएं चलते रहे, और भारद्वाज शिक्षा संस्थान एनजीओ यही 1957 दिवस मना रहा है, इसीलिए ये प्यार मोहब्बत वास्तव में भारद्वाज जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ। इनके विचार, इनके भाषाएं, इनके बोलने का तरीका, इनका मिलनसार, जितने छोटे उतना इनका बड़ा काम, उनकी बड़ी भावनाएं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। वो तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी।
होली का पर्व अपने आप में ये एक बड़ा महत्व रखता है कि होली के पानी में, होली के रंगों में, इससे महत्व और कोई नहीं हो सकता। जब किसी पर पड़ेगा तो अपने साथ वो हर उस भावना को जो द्वेषित होगी या भय होगा या जिसमें किसी भी किस्म का किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा होगी, उन सबको धोता हुआ हर किसी के दिल में ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रीत, ऐसी शक्कर और ऐसी लक्ष्मी घोलेगा कि हम अपने दिल्ली और अपने हिंदुस्तान की शांति में सभी सुख से रहने में कामयाब होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आज इन्होंने यहाँ पर बुला करके इस मौके पर शिरकत होने का एक अपॉर्चुनिटी दी है और यहाँ आके मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो भाईचारा है इसको भी हम दिल्ली के दूसरे जगहों पर डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि शिक्षित होना इसका मतलब यह है कि पूरे समाज को शिक्षित करना, और शिक्षा से ही संस्कार बनते हैं, संस्कार से ही सोसाइटी बनती है, समाज बनता है, और समाज बनता है तभी शांति रहती है और तभी प्रीत रहती है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी का जो पिछले 20 वर्ष से अपने शिक्षा के फूल बोते जा रहे हैं। इसके बगिया में जो पेड़ लगे हैं, जो उस पर फूल लगेंगे, जो उस पर फल लगेंगे, वो जब बटेंगे तो ऐसी ही बगिया पूरे विश्व में स्थापित होगी। होली की शुभकामनाएं आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और मैं चाहूँगा कि इसके रंग जब फिजा में फैलें
तो सभी सुख चैन अमन और शांति की बारिश करें। 19वां स्थापना दिवस है, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि 19वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से हम आज तक हमारे 19 साल पूरे हुए। मैं बाबा का आशीर्वाद चाहूँगा, भोले बाबा का, कि 19 साल हमारे इतने अच्छे से बीते, नहीं तो लोग बाग ये सोचते कि कैसे प्रोग्राम होंगे। हमारी संस्था के अंदर सभी बुजुर्ग लोग हैं और सभी का बहुत ही आशीर्वाद हमें मेरे को मिलता है और हर एक मेंबर अपना पूर्ण सहयोग देता है हमारी संस्था के। मैं सभी को, पूरे देशवासियों को, अपने दिल्ली वासियों को, अपने संस्था के सभी सदस्यों को, अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा होली की।